विकास नगर से ग्राम पंचायत स्तर पर डेंगू को लेकर शासन प्रशासन की मुहिम कारगर सिद्ध नहीं हो रही। जगह जगह गंदा पानी इकट्ठा होने से डेंगू मच्छर फैलने का भय ग्रामीणों को सता रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायत स्तर पर बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। इसी को देखते हुए CMO देहरादून ने कहा कि शहरी क्षेत्र में डेंगू को लेकर विभाग अलर्ट मोड में है। लगातार जगह जगह छिड़काव के साथ साथ फॉगिंग भी की जा रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के रखरखाव के लिए जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत नियुक्त किए रहते हैं। वहीं CMO ने कहा कि डेंगू मच्छर से बचाव करने के लिए हमें घर के आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, जिससे कि मच्छर पनप ना सके। विकास नगर से जयसिंह बिष्ट की रिपोर्ट। हमारा अभियान चल रहा है, यहाँ पे नालिया में जो है लार्विसाइडल भी छिड़का जा रहा है, फॉगिंग भी हो रही है। आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो जैसे बता रहे हैं कि नालियों में पानी भरा हुआ ये है, गंदगी हो रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो जिला पंचायत या उधर के जो क्षेत्र पंचायत ये सब वही देखते हैं। और जहाँ तक डेंगू की का सवाल है, डेंगू बरसात में जो है पानी जहाँ भी भरता है, पानी जहाँ भी टिकता है, और उसी साफ पानी में मच्छर पनपते हैं, मच्छर अपना लार्वा उसमें पनपाता है, यानी कि मच्छर जो है साफ पानी में ही अंडे देता है और उसका लार्वा